हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर जितेंद्र सर पर। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है, गुणनखंड की परिभाषा क्या है। किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है जैसे कि 12, ठीक है, उस 12 को किसके रूप में, गुणनफल के रूप में, जैसे 2 × 2 × 3, इस प्रकार से तोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमारे क्या गुणनखंड है, इन गुणनखंडों को गुणा करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 × 4 और 4 × 3 = 12, तो गुणनखंडों को गुणा करने पर हमें क्या हो गया, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है, 16 के आप फैक्टर करेंगे, आप ऐसे करके फैक्टर कर लीजिए 16 के, ठीक है। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से, 2 × 8 = 16, 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 × 4 और 2 × 1 में चला जाएगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 2 × 2, किसी संख्या को क्या किया, गुणनफल के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। अब हमने 16 को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, यही क्या है, हमारे गुणनखंड है, ठीक है। आप इन बाकी सभी उदाहरणों को इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणज के बारे में, गुणज यानी मल्टीपल्स। किसी संख्या को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं दी हुई संख्या का गुणज कहलाती है, ठीक है। कोई नंबर है, उस नंबर को हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या होगा, उस नंबर के गुणज यानी मल्टीपल्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट पर खत्म हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है, 6 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, उनको हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि धन पूर्णांक से गुणा कर देंगे। 6 × 6 यानी कि 6 के गुणज लिखने थे, 6 को 1 से गुणा कर दिया, 6 × 6, 6 को फिर किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 6 × 2 = 12, 6 को फिर किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 6 × 3 = 18, 6 को फिर हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 6 × 4 = 24 और 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 × 5 = 30। तो ये 6 के क्या हो गए, प्रथम 5 गुणज हो गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, हमारे 6 के गुणज हैं, ठीक है। किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुणज कहलाते हैं, देखिए हमने एक तरह से पहाड़ा ही तो लिखा हुआ है, इन 6 का पहाड़ा लिखा है, तो 6 के पहाड़ा ही इसी, यही क्या है, हमारा उस संख्या का गुणज है, यानी ये क्या है, 6 के गुणज है, ठीक है। परंतु पहाड़ों की सूची समाप्त नहीं होती, ठीक है, हम कहाँ तक पहाड़ पढ़ते हैं, 10 तक ही पढ़ते हैं, है ना, जैसे 6 × 2 = 60, इससे आगे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पहाड़े तो इससे भी आगे होंगे, जैसे कि 2 का गुणज, हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 4, ये सब क्या है, 2 के गुणज हैं। 2 दें कितना हो जाता है, 20, तो उसके बाद देखिए कितना आता है, 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, तो ये जो सूची है वो क्या होगी, लगातार चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए 2 का गुणज कभी समाप्त नहीं होगा और अन्य संख्याओं के भी गुणज कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए हर संख्या की सूची क्या होती है, लगातार चलती रहती है पहाड़ों की, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कोई संख्या है, उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो उन गुणनफल को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जैसे कि 2, ठीक है, 3, 5,
सात, 11, 13, है ना, 17, ये क्या है, एक ऐसे नंबर हैं जो क्या होंगे, अपने आप से ही क्या होंगे, विभाजित होंगे, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होंगे। देखिए दो है, दो सिर्फ दो से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तीन है, तीन से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इसका एक उदाहरण दे रखा है, 120। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार आप बचपन में करते थे फैक्टर, आप उसी प्रकार से इनकी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 120 अभी किससे विभाजित होगा, पी से क्या है, दो है, तो दो से भाग करिए, दो छक्के 12, 0 आ जाएगा। दो से करेंगे, दो तिया 6, 0 आ जाएगा। अब दो से काटेंगे, दो एकम 2, एक आसल के चला जाएगा, 2 पंजे 10, कितने बार कट, 15, किससे कटेगा, तीन से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये सब क्या है, 120 के अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, जिस संख्या सब कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारी अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या के कुल गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका, कोई संख्या दी हो आपके पास, ठीक है, और उसके हमें कुल गुणनखंड ज्ञात करने हो, तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को किस में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। जैसे कोई संख्या है उसके गुणनखंड निकालेंगे और उन गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिख देंगे। जहाँ ए बी सी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और ए क्या है, ए सम अभाज्य है। सम अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे, दो नंबर, यानी कि ये क्या है, दो दो ही एक ऐसा नंबर है, सम संख्या है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या कहेंगे। ये क्या है, दो है और दो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक्स वाई और जेड घात के रूप में क्या है, पूर्णांक है। एक्स वाई जेड ये क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं, माइनस और प्लस दोनों तरह के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वन, वाई प्लस वन और जेड प्लस वन, यानी कि जो हमारी घातें हैं उनमें एक लगा करके उन सबका गुणा कर देंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कुल अभाज्य गुणनखंड, अब आपसे इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, तो क्या करेंगे, इन सभी घातों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, इन सभी को प्लस कर देंगे। एक उदाहरण दे रखा है, 36 के कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 36 है, 36 के हम गुणनखंड निकालेंगे, दो से भाग करेंगे, 2 एकम 2, एक आसल का, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18। अब 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 किससे कट जाएगा, 3 से ही, 3 एकम 3, तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो 36 के गुणनखंड लिखिए, 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हमने गुणनखंड तो ज्ञात कर लिए, इनको घात के रूप में लिखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। जब हम कुल गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, घात कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस 1, और इसकी घात कितनी है, 2 है, 2 प्लस 1, और आगे होता तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यूस करते। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का साइन होगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, तो इसके कितने गुणनखंड आ गए, कुल 9 गुणनखंड हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सिर्फ घातों को प्लस कर देंगे, एक तो 2 है और प्लस दूसरा भी क्या है, 2 है, जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, तो ये कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड 4 हो गए। हम यहाँ से भी गिनकर अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये कैसे हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए।
और हम फॉर्मूले से निकालेंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, चार आएंगे। तो इस प्रकार से आप संख्याओं के कुल गुणनखंड और अवाध्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। किसी संख्या के सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई संख्या है उस संख्या के क्या निकालेंगे, सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अभी किया था, सबसे पहले संख्या के अवाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है, और ए बी सी यहाँ क्या है, अवाज्य संख्या है, और एक्स वाई जेड क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अगर हमें सम गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, जो पहले एक्स वाली घात है उसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और वाई और जेड जो घाते हैं उनको मैं एक जोड़ देंगे सब सब में, ठीक है, जैसे वाई प्लस वन जेड प्लस वन, ठीक है, और भी होंगे तो आगे भी इसी प्रकार करते जाएंगे, और इसको सॉल्व कर गए हम समगुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। विषम गुणनखंड में क्या करेंगे, हम एक्स को छोड़ देंगे, बाकी वाई और जेड को ले लेंगे, वाई प्लस वन और जेड प्लस वन इनका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं, इसमें लिखा है 240 के कुल कॉमा सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 240 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, किससे कट जाएगा, दो से कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार और जीरो है तो जीरो, दो छक्के बारह, जीरो लगा देंगे, दो से फिर कट जाएगा, दो तीया छः और जीरो लगा देंगे, दो से कितने बार कटेगा, दो एकम दो, एक हासिल का चला जाएगा, दो पंजे दस, तीन से कट जाएगा, तीन पंजे पंद्रह और पाँच किससे कटेगा, पाँच से पाँच एकम पाँच, ठीक है। तो हमने इनके फैक्टर निकाल लिए 240 के, 240 के हमने जो फैक्टर निकाले वो कैसे निकाल गए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो कितने बार है, एक दो तीन चार, और फिर क्या है, तीन गुणा पाँच। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, घातों के रूप में लिख लेंगे, दो कितने हैं, एक दो तीन चार, तो दो की पावर चार हो जाएगी, तीन कितने हैं, एक है तो तीन की पावर एक, और पाँच कितने बार है, एक बार है तो पाँच की पावर एक। ये हमने क्या कर लिया, 240 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड, और क्या निकालना है, सम गुणनखंड, और विषम गुणनखंड। ये हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अभी हमने सम गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, x प्लस वन है ना, y प्लस वन जेड प्लस वन, यही तो था। इसमें रख दीजिए x ये कितना है, चार, तो चार चार में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, पाँच, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, y y की वैल्यू कितनी है, एक, एक और एक दो गुणा जेड, जेड की वैल्यू एक, एक में एक जोड़ देंगे ये वाला तो कितने हो जाएंगे, दो है ना। अब इनका आपस में गुणा हो रहा है, पाँच दुनी दस और दस दुनी बीस, तो कुल गुणनखंड कितने निकला है, बीस निकला है। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंड, सम गुणनखंड का फॉर्मूला क्या था, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, और एक्स क्या यहाँ है, चार है, तो चार को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और क्या था, वाई प्लस वन और जेड प्लस वन, वाई कितना है, वन है, वन में एक और वन जुड़ रहा है फॉर्मूले के द्वारा, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, दो गुणा पाँच है, इसमें भी एक जोड़ देंगे घात की घात में, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, इनका आपस में गुणा कर दो, चार दुनी आठ और आठ दुनी सोलह, तो सम गुणनखंड कितने निकल आए, सोलह निकल आए। अब विषम गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, वाई प्लस वन, तो वाई कितना है, ये रहा वन, वन में वन को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई, जेड की वैल्यू कितनी है, एक ही तो है, एक में एक और एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, दो, दो का दो से गुणा कर दो, दो दुनी चार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हमने क्या कर लिए, कुल गुणनखंड ज्ञात कर लिए 20, सम गुणनखंड ज्ञात कर लिए 16, और विषम गुणनखंड भी हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से हम देखेंगे, कुल गुणनखंड जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनफल के योगफल के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ भी 20 है, और 16 और 4 को 20 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो कुल गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, सम और विषम गुणनफल के योगफल के बराबर हो जाएगा। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का तरीका, अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ गुणनखंड निकाल रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन गुणनखंडों को जोड़ने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम करते हुए हैं, संख्या को अवाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखिए, उसके बाद क्या करना है, देखिए फॉर्मूले हैं,
जैसे कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है जैसे ए, तो ए को हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे यहाँ तक उसकी घात होगी, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, एक्स घात है तो एक्स तक लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी को लिख लेंगे और उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसका उदाहरण दे रखा है, ठीक है, 360 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें योगफल ज्ञात करना है गुणनखंडों का, तो 360 है, 360 को ही हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। दो से भाग करेंगे, 2 एकम 2, एक हासिल करने चला जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 16, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 से कट जाएगा, 2 इनाम 18, 0 का 0, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 हासिल का, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, 15 किससे कट जाएगा, 3 से, और 3 पंजे 15, और 5 कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5। तो ये हमने क्या कर लिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 36 0 = 2 × 2 × 2, गिनिए कितने बार है, 1, 2, 3, और 3 कितने बार है, 2 × 3 × 3 × 5। इसको अब घात के रूप में लिखिए, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2 और ये 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 1 और 1, यहाँ भी पावर 1 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 × 5 की पावर 1, यानी कि इसको हमने क्या कर लिया, घात के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था क्या ज्ञात करने का, गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का, तो उसमें क्या था फॉर्मूला हमारा, a0 + a1 + a2 घात के रूप में, है ना। तो ये क्या हमारा a है, a की पावर 0 + a की पावर 1 + a की पावर 2 + a की पावर 3, यहाँ तक पावर दी रखी होगी, वहाँ तक हम इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या था, 3 या 3 दे रखा है, तो 3 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, 2 तक दे रखा है पावर, तो हम 2 तक करेंगे, ठीक है। 5 दे रखा है, 5 की पावर कितनी है 1 है, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 है तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, 2 दुनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 3 है, 2 × 2 × 2, 2 दुनी 4, और 4 दुनी 8, किसी की पावर 0 उसका मान 1, प्लस 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9, 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 है तो 5 का 5 ही रहेगा। इनको जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा का साइन लगा दीजिए इधर, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 5 और 1 6, ठीक है। इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, आपस में गुणा कर देंगे, 15 का 6 से गुणा करिए, 15 छिंग कितने होते हैं, 15 छिंग 90, गुणा 13, 13 का 0 से गुणा करेंगे 0, और 13 नम्बर 117, ठीक है। तो ये क्या निकल आया हमारे पास, धनात्मक गुणनखंडों का योग निकल आया, यानी कि 36 के जितने गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योगफल हमने निकाल लिया, वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। गुणनखंड और गुणज से देखिए, ये इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि कोई संख्या है किसके रूप में दे रखी है, p × q × r है, जहां p q r अभाज्य संख्या है, तो p + q − 2r का मान ज्ञात करना है। आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो संख्या को लिखिए 3 1 3 6 3 2, पहले इस संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड आपको निकालना आता है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस संख्या का सबसे पहले क्या करिए, गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरे इसके गुणनखंड निकाल देता हूँ, है ना। देखिए इस संख्या के जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको गुणनखंड प्राप्त होंगे,
बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 की घात 4 गुणा 11 की घात 2। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया है, गुणनखंड निकाल लिए। तो आप जब इन संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद हमें क्या करना है, तुलना करनी है। ठीक है, क्या करनी है, तुलना करनी है। आपको पता है किसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ये संख्या है पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 गुणा आर की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे घातों के आधार पर। तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू देखो पावर 2 है तो पावर 2 इसमें है, पावर 5 कहाँ है, पावर 5 इसमें है, और पावर 4 किसमें है, इसमें है। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, पी बराबर 11 हो जाएगा, है ना, कॉमा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 घात किसमें है, 5 घात इसमें है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्यू बराबर 2। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, पी प्लस क्यू माइनस 2R का। तो पी प्लस क्यू माइनस के 2R का हमें मान निकालना है। पी की वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू कितनी है, 11 है तो 11 प्लस का साइन, क्यू की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 माइनस का साइन, 2 दे रखा है 2, और यहाँ क्या है, क्वेश्चन नहीं है तो गुणा का साइन होता है, और आर की वैल्यू कितनी है, 3। बोर्ड मास नियम से हल करिए, 11 प्लस 2, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दुनी 6, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13 माइनस के 6। ठीक है, 13 में से क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे आपके पास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इसको कैसे हल करेंगे, जैसे अभी किया था उसी प्रकार से। संख्या का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके अवाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे आप बचपन में गुणनखंड ज्ञात करते थे उसी प्रकार से आप इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें गुणनखंड निकालने पर गुणनखंड जो प्राप्त होंगे वो गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 2। तो हमें ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तुलना करनी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। तो पावर का पावर से क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तो पावर 4 यहाँ है, पावर 4 यहाँ है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पावर 3 कहाँ पर है, पावर 3 यहाँ है, पावर 3 यहाँ पर है, तो q की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब p की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 2 है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जो जिसका मान पूछा है उसमें इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, रख देंगे 2p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है, 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस का क्यू कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस आर की वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। इसको हल कर लेंगे, 11 दुनी 22 हो जाएगा, प्लस के 3 माइनस के 2, जोड़ लीजिए 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस के 2, 25 में से 2 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b और 7 की पावर c दे रखा है। a b और c क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तब हमें क्या करना है, 4a माइनस 5b प्लस c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या दे रखी थी, घाते दे रखी थी और ये अवाज्य गुणनखंड नहीं दिए थे। अब क्या दिया है, अवाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, हमें घाते ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रकार से इन सब इस संख्या का क्या करेंगे, अवाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 202 11 68 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, जब आप इसके गुणनखंड निकालेंगे तो आपको कितने गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 की पावर कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2।
आपको ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे जब आप इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास दे रखा है किसके बराबर दे रखा था, ये 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c। देखिए अब हम जब तुलना करेंगे तो 2 का 2 से तुलना होगी, 3 की 3 से और 7 की 7 से तुलना होगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c बराबर या घात कितनी है, 2 है, तो c बराबर 2 हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, 4a माइनस 5b प्लस c का मान ज्ञात करना है, तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। इनका क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 माइनस 5 15 प्लस 2, बोर्ड मास नियम से हल करेंगे इसको, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 माइनस के 15, 18 में से 15 को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर d इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।